बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी में अयोध्या के मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है, तो अखिलेश ने कटहरी का जिम्मा चाचा शिवपाल यादव को दे दिया है। यानी उपचुनाव में सीएम योगी और शिवपाल की कटहरी में सीधी टक्कर होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, श्रेष्ठ यूपी में आपका स्वागत है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी के बाद अब अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने 10 विधानसभा सीटों में से 6 के लिए चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रभारियों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद और इंद्रजीत सरोज का नाम भी शामिल है। माना जा रहा है कि बची हुई 4 सीटों पर भी पार्टी जल्द ही प्रभारियों के नाम का ऐलान कर देगी। पार्टी की ओर से जारी लेटर में शिवपाल सिंह यादव को अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सांसद अवधेश प्रसाद और लाल बिहार यादव को मिल्कीपुर, वीरेंद्र सिंह को मिर्जापुर की मंझवा सीट का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं करहल सीट का जिम्मा चंद्रदेव यादव को दिया गया है। फूलपुर विधानसभा सीट की कमान इंद्रजीत सरोज को मिली है। कानपुर नगर की सीसामऊ सीट का प्रभारी राजेंद्र कुमार को बनाया गया है, जो कि पार्टी के विधायक हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में अयोध्या के मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। अखिलेश ने कटहरी का जिम्मा चाचा शिवपाल यादव को दिया है। योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से अयोध्या का बैक टू बैक दौरा भी कर चुके हैं। मिल्कीपुर की कमान अवधेश प्रसाद और लाल बिहारी यादव संयुक्त रूप से देख रहे हैं। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई। इसी तरह कटहरी के विधायक रहे लालजी वर्मा भी अंबेडकर नगर के सांसद बन गए, जिसके चलते उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले इंद्रजीत सरोज को मैदान में उतारा है। दरअसल केशव प्रसाद के पास फूलपुर सीट की कमान है। सपा में इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की कमान मिली है। माना जा रहा है कि सरोज की रणनीति की वजह से 2022 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से हार गए थे। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें फूलपुर की कमान सौंप डाली। राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कई सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन में भी खींचतान चल रही है। इसमें से एक प्रयागराज की फूलपुर सीट है, जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोक रखा है। इसे लेकर शनिवार को पार्टी के संगठन में एक बैठक भी हुई। इस बैठक में नेताओं ने फूलपुर की सीट को कांग्रेस को दिए जाने की मांग की। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता पार्टी हाईकमान से ही अनुरोध करेंगे कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इंडिया गठबंधन में फूलपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी खुद ही लड़े। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीतामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी और मिर्जापुर की मंझवा सीट शामिल है। इनमें कुछ सीट ऐसी है जो पहले बीजेपी के पास थी, जबकि कुछ पर विपक्ष का कब्जा है। जैसे गाजियाबाद की सीट बीजेपी के पास थी और अतुल गर्ग विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गई। खैर, उपचुनाव में सबकी नजरें कटहरी सीट पर रहेंगी, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव का कड़ा इम्तिहान होना है। ऐसे में दोनों दिग्गजों में से कौन इस सीट पर अपनी पार्टी को जीत दिलवाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।